इस वीडियो में आज हमारे पास है BSNL की सिम। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि BSNL की सिम का टेलीवेरिफिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट टाइम इसको एक्टिवेट कैसे करने का प्रोसेस क्या है। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसका टेलीवेरिफिकेशन कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना और स्टेप बाय स्टेप आप समझना इस वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम और आपको बताते हैं किस तरीके से इसका टेलीवेरिफिकेशन करते हैं, फर्स्ट टाइम इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले आपको एक नंबर डायल करना पड़ेगा 1507। इस नंबर के थ्रू ही आप इसका टेलीवेरिफिकेशन कर पाएंगे, इसको एक्टिवेट कर पाएंगे। सो नंबर डालने के बाद आगे का प्रोसेस आप इस वीडियो में देखिएगा किस तरीके से आपको प्रेस करना है की और किस तरीके से बात करके जो है एक्टिवेट करना। वेलकम टू BSNL टेलीवेरिफिकेशन सर्विसेज। अब आप Google Play Store के माध्यम से BSNL सेल्स केयर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और सभी नए और मौजूदा ऑफर से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, तुरंत अपने Android मोबाइल पे BSNL ऐप डाउनलोड करें और सुविधाओं का लाभ लीजिए। हिंदी में जानकारी के लिए एक डायल करें। प्रिय ग्राहक, हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी के माध्यम से टेली वेरिफिकेशन करने के लिए कृपया एक दबाएं। OTP के माध्यम से टेली वेरिफिकेशन करने के लिए कृपया आपका कॉल हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी को ट्रांसफर किया जा रहा है। सर टेली वेरिफिकेशन करना है, नई सिम ली थी BSNL की। टेली वेरिफिकेशन करना है आपको? जी जी सर। किस नंबर का? इसी नंबर का सर। आज लाइन पर ही है? जी सर। आज आप ऐसा करिए, हर एक घंटे में एक बार यहाँ पे कॉल करिए, जैसे यहाँ पे डेटा दिखेगा वेरिफिकेशन करके नंबर को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ओके सर जी, धन्यवाद। ओके सर ठीक है। BSNL कॉल सेंटर IVR फीडबैक प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कृपया हमारे एग्जीक्यूटिव रिस्पांस को 1-5 के बीच में रेट करें। सो इसके 5-10 मिनट के बाद आपका सिम वेरिफिकेशन हो जाएगा और 5-10 मिनट के बाद इससे आप कॉल कर पाएंगे, इंटरनेट कनेक्शन यूज कर पाएंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है। अगर आप वीडियो हेल्प लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।